दोस्तों मेरा नाम ओम एंड मैं शरद। मैं अभी 9 महीने बाइक चला चुका हूँ एवेंजर स्पीड 220। तो उसके बाद में सेल्फ का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिया, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था एक्चुअली। सो मैं शॉप पे आया रिपेयर कराने के लिए। ये जो चीज़ है सेल्फ स्टार्ट का मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा था एक्चुअली। तो ये दोनों तरफ घूम रहा था, अभी दिखाऊंगा कि ये सिर्फ एक ही तरफ घूमता है तो अच्छे से काम करेगा। तो अभी मैं चेंज करा दिया मैंने अभी बात। सो 2000 के आसपास 2200 के आसपास लगा मेरा खर्चा। ठीक है, अभी बजाज वाले को बोलना पड़ेगा भाई सेल्फ सर्विस कुछ करो। जो कंपनी बनाया फेल हो गया आफ्टर 9 मंथ। एक्चुअली इसका 6 मंथ की वारंटी रहता है। तो जो लोग बाइक ले रहे तो प्लीज़ जब भाई चेंज कर लीजिए सेल्फ स्टार्ट का, जो जिसको मैग्नेट मोटर बोलते हैं। तो पूरा एक सेट में आएगा आपका 1973। अब मुझे एक्चुअली 1-2 महीने पहले प्रॉब्लम कर रहा था कि सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था। सो थोड़ा थोड़ा करने के बाद स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एक्चुअली अच्छा हो पहले रिपेयर कर लें तो मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा लगता। ये जो बजाज एवेंजर का सेल्फ स्टार्ट में जो प्रॉप ये मशीन होता है मैग्नेटो रोटर, ये मिस्त्री भाई लेके आए हैं ये सामान। इसमें जो ये जो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है सेल्फ स्टार्ट का, ये अभी नया बजाज का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हुआ भाई। ये खोला, ये खोल के ये निकाला, इसका सेल्फ स्टार्ट का ये प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। अब ये नया माल्टो लेके आया बजाज का, अनपैकिंग तो कर दिया इसने। इसका दाम तो इतना लिखा भाई 1900 के करीब लिखा हुआ। ये अभी फोन तो लगा रहा, देखो थोड़ा का ही काम कर रहा है। ये नया मशीन लेके आया बताओ। वो ये चक्का भी साथ में मिला? नहीं। अच्छा पूरा का दाम, पूरा सेट का? ये पूरा सेट एक्चुअली ये घूमता एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं घूमता एक्चुअली। अच्छा दोनों तरफ घूमने लगा तो सेल्फ खराब हो गया, तो इसका पूरा चेंज करना पड़ा। पहली बार नहीं भाई, लड़का भाई पहले बोल दिया था, लेकिन अब ठीक है। बजाज एवेंजर 220 स्पीड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल्फ बेटा, ये चीज़ खराब, ये मेन चीज़। वो देखो ये यहाँ से निकला हुआ। अब ये पूरा नया पार्ट लेके हैं, जो करीब मेरे को नाम तो लिखा 19 है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या करें। मैकेनिक के पास है भाई, हमको लगा मिलेगा नहीं पार्ट्स, हमको लगा पार्ट्स मिलेगा नहीं। अब यार ये पैशन गाड़ी लोग तो इसी लाम तो बोलना छोटा सा तो नहीं। हाँ हाँ ठीक ही बोलो, आपको फोन कॉल से लाया था कि छोटा है, फोन नंबर तो दिला। देख लो भाई भाई मशीन पास का है, वो हमको दिया देवे একদম টিউবটা নতুন লাগাতে বলেছি। হ্যাঁ টিউব লাগিয়ে দিয়ে দু তিন মাস আগে টিউব আছে, ঠিক আছে টিউব এটাতে সেট দিয়ে লাগিয়ে। আচ্ছা ये अब ये अच्छा ये तो सेट दे दिया। अच्छा इसका अलग ही है, देखो अलग से जो माल लिया है इसका, ये इसका जो अंदर का जो रोटेटर है वो अलग ही है, और ये इसका देखो कंपनी जो दिया है एक्चुअली। ये वाला सिस्टम कंपनी फेल हो गया, हाँ ये वाला सिस्टम कंपनी बंद है। अब ये दिया, ये नया दिया कंपनी, मतलब कंपनी को पता था इस बारे में कि नहीं ऐसे ही दिया है। अभी ये इसका क्या करने का है, ये गया इसको रखेगा दिखाने के लिए पब्लिक को। देख भाई ये देना भाई, ये इसमें ऐसा लगता है ना, तो ये देखो इस तरफ घूम रहा है, दोनों तरफ घूम रहा है मतलब गया।
अब ये जो है सिर्फ एक तरफ घूमेगा, एक तरफ नहीं घूमेगा। दिखाना भाई उसको एक बार, उसको घुमा देना, दिखा भाई छोटे, उसको आगे भी देख। ये ना एक्चुअली एक ही तरफ घूम रहा है, दूसरी तरफ घूमेगा, नाटक जा रहा है, लेकिन ये खराब हो गया बोल के दोनों तरफ। नौ महीने बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट की। बाइक तो नया है लेकिन क्या करूं, नौ महीने हुआ। इसका एक्चुअली छः महीने वारंटी होता है, तो पहले ही अगर चेंज करा लेंगे कंपनी के से बाइक लेने से पहले तो बेटर रहेगा आपका। जब बाइक ये लगाया था तो उससे पहले स्पीड तो काम में स्टार्ट तो हो नहीं रहा सेल्फ स्टार्ट। अभी देखो शायद आ गया, सी लगाने का चेंज है, पकड़ा वहाँ पे ये टाइट को। अरे सुनो ना, तुम्हारे गल्पटा आमी तो सुनी, टाइट को ढुके जाबे तो। ओ सुमन दा, तुम्हारे गल्पटा की होचे? ये मेन सेल सेट करते वक्त में ये घूमता है, रोटेट होता है। अभी को उसका जरूरत नहीं है सपोर्टर का, नहीं नहीं चाहिए ना। कब तक चलेगा भाई, गारंटी वारंटी कुछ है? इसको रखेगा भाई, ये बजाज का नया कंपनी दिया है, जनवरी 2019 का निकला हुआ माल है। एम आर पी तो इतना है लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही लेगा मिला के, ये सब मिला के। तो ये मेरा बाइक अभी ठीक हो रहा है। তুমি টাকাটা রিটার্ন দিলে কি করছি, আর কি ইচ্ছা নেই মনে হচ্ছে? দেখ আর ইচ্ছা নেই না, আর বুঝে গেছি, হয়ে গেছে তোমার, আর গল্প শেষ। कलकत्ता में एयरपोर्ट के पास में, गेट नंबर 1 के पास में। सो यहाँ पे गाड़ी वॉश हो जाएगा अच्छा खासा, तो भाई सब ठीक कर रहे हैं, भाई साहब वॉश ही कर रहे हैं, छोटा सा वॉश और पॉलिश का 120। तो मेरा बाइक हो गया कनेक्ट, आई गेस अभी से अब स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई हो गया स्टार्ट, उस टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा था। चलो भाई फाइनली बाइक हो गया स्टार्ट। तो 8000 चला चुका है, ये बैटरी इसका लिक्विड बैटरी है, टाइम टाइम पे चेक करते रहना कि इसका फ्लूइड कम हुआ कि नहीं हुआ। और एक टाइम 10 एच एम्पेयर और 15 एच के एम्पेयर एक्स्ट्रा दिया रहता है सेल्फ स्टार्ट के लिए, कभी कभी फ्यूज हो जाता है तो चेंज कर लेना, एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है बैटरी का। तो बस बैटरी का ध्यान रखे, फ्यूल इसका डिस्टिल वाटर जरूर डालिएगा इसमें अगर कम हो गया तो। मैं इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता था कि बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट जो जिन लोगों ने लिया है, जिन लोगों ने खरीदा है, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मेन तो बाकी बाइक तो सही है, बारिश कब होता है तो बारिश का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बारिश में पूरा छीटा पैर तक आता है, और इसका चेन टाइम टाइम टाइट करती रहिएगा, ब्रेक भी थोड़ा देखिएगा, और सेल्फ का थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, और बैटरी क्या, बाकी तो ठीक है बाइक। गाइस मेरा बाइक तो हो गया ठीक, थैंक गॉड कि अब काम करेगा बाइक। So, thank you for watching.
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए बस। और अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है इस बाइक के बारे में तो प्लीज़ नीचे कमेंट मारिए और क्वेश्चन करिए, तो जितना हो सके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता होगा। और कुछ नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली मैं मैकेनिक भाई के पास आके पूछूंगा कि क्या है, और आपको जवाब जरूर दूंगा। गाइस ये मेरा बाइक मैंने धुला दिया, वॉश कर दिया अभी, थैंक गॉड सेल्फ का प्रॉब्लम था और सेल्फ ठीक हो गया अभी। तो बैठ गया हूँ।